हाँ तो बच्चों, हम कर रहे हैं कंपोजिट मैथ्स क्लास 3, उसमें हम कर रहे हैं डिवीजन चैप्टर। तो वेलकम टू योर अवर न्यू वीडियो। तो हम अभी लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं डिवीजन का। तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है क्योंकि सारे कंसेप्ट आपके हो गए हैं, तो सारे कंसेप्ट इसमें आ सकते हैं। तो डिवीजन बाय रीग्रुपिंग विथ रिमाइंडर। विथ रीग्रुपिंग, तो आपने बाय रीग्रुपिंग आपने सीखा है, ग्रुप ग्रुप बना के जब आप डिवीजन करते हैं तो ये स्टेप आपने सीख ली है, ठीक है। बट आपने क्या सीखा था कि जब भी रीग्रुपिंग आप कर रहे हो तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा था, बट यहाँ पे रिमाइंडर भी बचेगा। ओके, तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज चल रहा है 40। तो एक्सरसाइज 40 में पहला जो क्वेश्चन है वो है 639 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हम सॉल्व करते हैं 639 डिवाइडेड बाय 2। तो आपने रीग्रुपिंग तो सीखा है, 2 3 6, 6 माइनस 6 0, नीचे आ जाएगा 3। ओके, तो 3 2 1 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से छोटा नंबर 2 आएगा। तो 3 2 1 2, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और ये नीचे 9 आ जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा 19। तो 2 के टेबल में 19 नहीं आता, बट 19 से जो छोटा नंबर आता है वो हमें लेना है। तो 2 9 18 आएगा, तो 9 माइनस 8 1 और 1 माइनस 1 0, तो ये बच गया रिमाइंडर 1। हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 से छोटा है। तो अगर इस नंबर, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा नंबर रिमाइंडर में आ जाए, बच जाए, तो वो रिमाइंडर ही रह जाता है, हम उसे डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये बन गया रिमाइंडर। तो इसमें रीग्रुपिंग करके आपका रिमाइंडर भी बचा और आपका आंसर भी आया, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, 557 डिवाइडेड बाय 3, 557 डिवाइडेड बाय 3। अभी देखिए, 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता, 5 से छोटा नंबर खुद 3 ही आता है, क्योंकि 3 2 जा तो 6 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2 और ये नीचे 5। 3 के टेबल में 25 भी नहीं आता, 25 से छोटा नंबर कौन सा आता है, तो 3 7 जा 21। ओके, तो 5 माइनस 1 4 और 4 2 माइनस 2 0, नीचे आ जाएगा ये 7। तो 3 के टेबल में 47 आता है, नहीं आता, तो 3 के टेबल में 47 तो नहीं आता, तो 47 से छोटा वाला जो नंबर है वो हमें देखना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 3 के टेबल में 25 नहीं आता, पर 25 से जो छोटा वाला नंबर है वो आएगा, 3 8 जा 24। तो 5 माइनस 4 1 और 2 माइनस 2 0, ये नंबर नीचे आ जाएगा 7। 3 के टेबल में 17 भी नहीं आता, पर 17 से जो छोटा नंबर है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 3 5 जा 15, इससे छोटा नंबर नहीं आएगा। अगर आप 3 6 जा करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो वो 17 से बड़ा हो जाएगा। तो 7 माइनस 5 2 और 1 माइनस 1 0, तो 2 हमारा बच गया रिमाइंडर और आपका आंसर आया है 185। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, बाकी के जो एग्जांपल है वो खुद आप सॉल्व करिए जिसमें रिमाइंडर भी बचेगा। अभी हम जो वर्ड प्रॉब्लम है उन्हें देखते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में देखिए, रानी डिस्ट्रीब्यूटेड 37 चॉकलेट अमोंग 6 फ्रेंड्स। उसने 6 फ्रेंड्स में, उसे 6 फ्रेंड्स है, उसमें उसे 37 चॉकलेट्स बांटनी है। हाउ मैनी डिड ईच गेट, एक एक को कितने चॉकलेट आएंगे, और हाउ मैनी चॉकलेट्स वेयर लेफ्ट, और कितने चॉकलेट बचेंगे, ठीक है। तो देखो, रानी के पास 37 चॉकलेट्स है और उसकी फ्रेंड 6 है, तो 6 के टेबल में 37 नहीं आता, 37 से कौन सा छोटा नंबर आता है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 6 जा 36, बराबर 6 6 जा 36। तो 37 में से 36 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है।
तो देखो 37 चॉकलेट 6 फ्रेंड में अगर वो बांटती है तो एक फ्रेंड को चॉकलेट आएंगी 6, वन फ्रेंड को कितने चॉकलेट आएंगे 6, और ऐसे सारे फ्रेंड्स के को देने के बाद जब 36 चॉकलेट खत्म हो जाएगी तो 37 में से वन चॉकलेट बच जाएगी, ठीक है, तो वन चॉकलेट लेफ्ट रह जाएगी और एक फ्रेंड को 6 चॉकलेट आएगी। रोज आगे देखते हैं, रोशन्स मदर गेव हिम ₹50, उसकी मम्मी ने, रोशन की मम्मी ने उसे दिए ₹50। ओके, ही वेंट टू बाय आइसक्रीम, वो आइसक्रीम लेने गया, हाउ मेनी आइसक्रीम कैन ही बाय इफ वन आइसक्रीम कॉस्ट 8, एक आइसक्रीम की कॉस्ट है ₹8, तो वो कितने आइसक्रीम खरीद सकेगा और कितने रुपए उसके पास बच जाएंगे। तो देखिए 8 के टेबल में 50 तो नहीं आता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 की टेबल में जो 50 से छोटा नंबर है वो ढूंढना पड़ेगा, इसलिए आपको 8 का टेबल लर्न होना ज़रूरी है। तो देखिए 8 के टेबल में 50 से जो छोटा नंबर है वो है 48, तो 8 6 48, ठीक है, तो 0 से 8 जाता नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ से बोरो लेंगे, उसे 10 कर देंगे और यहाँ पे बच जाएगा 4, 10 - 8 2 और 4 - 4 0, तो देखिए वो ₹50 से ₹8 वाले 6 आइसक्रीम खरीद सकता है, और जब वो ₹50 में 6 आइसक्रीम खरीद लेगा तो उसके पास ₹2 बच जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके डिवीजन चैप्टर के वर्ड्स प्रॉब्लम, जिसमें रिमाइंडर भी थे, ठीक है, 11 और 12 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, अगर उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डिवीजन चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपके पास ये कंपोजिट मैथ्स वाली बुक है तो ये जो मैथ मेंटल मैथ्स है, चैप्टर टेस्ट है, आपको खुद सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको ये चैप्टर कहाँ तक समझ में आया है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।